मैं अभी हूँ वडाला के गणेश बाग में, गणेश मंदिर में, और इस साल मैंने सबसे पहला दर्शन गणेश भगवान का यहीं पे किया है। तो आइए गणपत बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज बहुत शुभ दिन है और मैं घर से निकल चुका हूँ, तो चलिए देखते हैं मुंबई में आज क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसी तैयारियाँ हो रही हैं। आप मेरे ऊपर देख सकते हो, आज धूप निकला हुआ है, मौसम साफ है, लेकिन सुबह बारिश हुआ था। आज मौसम कुछ ऐसा ही है, 2 मिनट में धूप हो जा रहा है और 2 मिनट में बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। जब खुलता है तो थोड़े टाइम के लिए खुल जाता है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज, क्योंकि खुशी हमें तब नहीं होती जब सिर्फ हम खुश होते हैं। खुशी सबसे ज़्यादा तब होती है जब हमारे चारों तरफ आसपास के सभी लोग खुश होते हैं। आज चारों तरफ पॉजिटिविटी फैली हुई है, सब लोग गणपत बप्पा को अपने घर ले जा रहे हैं, नाचते गाते ढोल बजाते अपने घरों में सजा रहे हैं। और आपने चारों तरफ देखिए मौसम कैसा है आज, कुछ साइड हल्के फुल्के बादल हैं तो कुछ साइड तो खुला हुआ है, फिर भी मौसम अच्छा ही कह सकते हैं। आज तो मौसम ज़्यादा ही अच्छा है, सब लोग निकल चुके हैं अपने घर से, और कुछ लोग जो कल गणपति लेके नहीं आए थे वो आज ला रहे हैं। तो चलिए आज भी हम देखते हैं कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। मैं अभी जा रहा हूँ वडाला स्टेशन पर, वहाँ से छोटी वाली जो लाल बस होती है 14 नंबर की, वो पकड़ूँगा, और वो पकड़ के मैं जाऊँगा MD कॉलेज तक, और फिर MD कॉलेज से चल कर जाऊँगा लालबाग तक। और यहाँ देखिए वडाला स्टेशन मोनोरेल के पास नीचे चेकिंग लगा हुआ है आज, चलता हूँ। ये है रेड बस 14 नंबर की, मैं इसमें बैठ के जाऊँगा MD कॉलेज तक, यानी कि महर्षि दयानंद कॉलेज तक, जो कि परेल में है। मैं अभी जस्ट MD कॉलेज के सामने पहुँच चुका हूँ, और ये बस रेड वाली जो वडाला स्टेशन से आती है 14 नंबर, यहीं तक आती है, यहीं से बस रिटर्न हो जाती है, और 6 रुपये में हम वडाला स्टेशन से MD कॉलेज तक आ जाते हैं। ये बस यहीं से रिटर्न फिर से वडाला स्टेशन चली जाएगी, और मैं अब चलता हूँ लालबाग। और आप देख सकते हैं आज भी सब गणपति लेके जा रहे हैं। मार्केट में आज भी कल इतना ही भीड़ है, जिन्होंने कल गणपत बप्पा को अपने घर नहीं ले गए थे वो लोग आज लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं अभी लालबाग के राजा के जो मेन गेट है उसके बगल में जो गेट है सेकेंड गेट, वहाँ पे खड़ा हूँ। ये गेट वो है जिससे सोसाइटी वालों को अंदर जाया जाता है, और ये सामने से बाइक आ रही है, टैक्सी आ रही है, यहाँ पे मेन गेट है, जो VIP लोग आते हैं उनको डायरेक्ट वहाँ से एंट्री कराया जाता है। सारे पुलिस फोर्स आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है जब कोरोना नहीं रहता था, और इस बार भी देखते हैं। तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और लोग दर्शन करने जाते हैं लाइन लगा के पीछे से। लालबाग के राजा का दर्शन मैंने आज नहीं किया क्योंकि वहाँ पे पीछे से लंबी लाइन रहती है, तो फिर कभी जाएंगे। तो अभी रिटर्न जा रहा हूँ घर पे मैं, और फिर शाम को रेडी होके मैं अपने एरिया के जो गणेश बाग में गणपति है वहाँ पे दर्शन करने जाऊँगा। और ये देखिए अभी अचानक बारिश हुआ 2 मिनट, और फिर धूप भी निकल गई, और वो आप देखिए सामने आपको बादल भी दिख रहा होगा, तो कुछ अजीब मौसम सा रहता है, लेकिन फिर भी धूप आज निकल रहा है बीच बीच में, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब चलता हूँ घर, तो अब फ्रेश होता हूँ और फिर शाम को चलेंगे दर्शन करने के लिए। मैं अभी हूँ वडाला के गणेश बाग में, गणेश मंदिर में, और मंदिर के बगल में ही गणेश भगवान का पंडाल भी बनाया गया है, और इस साल मैंने सबसे पहला दर्शन गणेश भगवान का यहीं पे किया है। तो आइए गणपत बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। एक और बहुत खुशी की बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, हमारे गांव UP में भी गणपति बैठाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से वीडियो कॉल आया तो मैं एडिट कर रहा था, तो ये देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो गणपत बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।